फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। कुछ नई वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली में वेरियस पोस्ट में, तो आप देखने वाले हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट नई वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर दो डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपके सामने लेकर आए हुए हैं। दिल्ली की वैकेंसी निकाली गई है, कल देर रात को वैकेंसी निकाली गई है वेरियस पोस्ट में, आप सबसे पहले लेकर आपके सामने आए हुए हैं। उससे पहले चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कोई रिजल्ट नई वैकेंसी सबसे पहले लेकर आते हैं। यहाँ वैकेंसी निकाली गई है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी निकाली गई है, परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ दिख रहा है वैकेंसी, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, यहां पर दिख रहा होगा वैकेंसी नोटिफिकेशन। बी एंड सी ग्रुप के लिए वैकेंसी निकाली गई है, क्लर्कियल डिपार्टमेंट के लिए और बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए देखते हैं, उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहती है। यहां आप देखिए वैकेंसी निकाली गई 18/5/2020 को, और यहां बताया जा रहा है वेरियस पोस्ट में जो काम की वैकेंसी उसे देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। मेडिकल सोशल वर्कर की वैकेंसी निकाली गई एक पोस्ट है, एक्सरे की वैकेंसी दो पोस्ट निकाली गई है, और यहां देख लेते हैं डाटा एंट्री टेक्नीशियन मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है एक पोस्ट है। 27 साल एज है, 12th क्वालिफाई कर रखे हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, साथ में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है ओ लेवल का सर्टिफिकेट तो कहा है इन्होंने कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स में या कोई कोर्स कर रखे हैं कंप्यूटर का, तो वहां से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में 15,000 की डिप्रेस होना चाहिए पर आवर, डाटा एंट्री वर्क में काम कर रखे हो तो सही रहेगा। उसे लिखा तो नहीं है लेकिन बताया गया है यहाँ पर स्पीड टाइपिंग होना चाहिए। यहाँ बताया जाए डार्क रूम असिस्टेंट जो होता है DRA कहते हैं उसे एक पोस्ट निकाला गया है। 21 से 30 साल एज है, मैट्रिक पास कर रखे हो, साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखे हो रेडियोग्राफी में, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है नर्सिंग असिस्टेंट बताया जा रहा है 16 पोस्ट है, 18-27 साल एज है, मैट्रिक पास कर रखे हो, फर्स्ट एड का कोर्स कर रखे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। धोबी की वैकेंसी निकाली गई दो पोस्ट है, 18-27 साल एज है, मैट्रिक पास कर रखे हो, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बाद लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलअप करने का। परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ लिखा हुआ है परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, आप देख सकते हैं। रेगुलर पोस्ट के लिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलअप करने का, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो यहां बताया जा रहा लास्ट डेट है 21 दिन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट बताया गया, जब से वैकेंसी निकाली गई तब से 21 दिन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है ऊपर लिखा हुआ है। अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है, चार्जेस क्या है, तो बताया गया सबसे ऊपर लिखा हुआ कि आप वहां जाकर सबमिट कर सकते हैं, उनके हेड ऑफिस में एड्रेस यहां दिया हुआ है, बाय हैंड कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट से कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है आपको। फीस कितना लगने वाला है, तो UR के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए ₹500 बताया गया है, SC ST के लिए ₹300 बताया गया है। परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, बताया जा रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट से आपको या बैंक चेक से आपको सबमिट करना है, ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको डिमांड ड्राफ्ट फॉरवर्ड करना है, बनवाना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए, यहाँ पे फॉर्म इन्होंने दे दिया है नीचे, और ये यहाँ पे बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो आप में एप्लीकेबल होता है ये सब आप सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसमें से आप देख लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप में एप्लीकेबल होता है वहाँ पर चाहिए उनको फॉर्म फिलअप करने के समय। ये फॉर्म निकाला गया है, PDF नीचे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कलावती ये हॉस्पिटल है उनका अंडर में आता है ये, जो भी वैकेंसी निकाली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकाली गई है। बंगला साहिब गुरुद्वारा में इसका हॉस्पिटल है, आप देख सकते होंगे जो आपका RML हॉस्पिटल है उसी के पास में वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, वहाँ पर हॉस्पिटल ये है। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, दूसरी वैकेंसी क्या निकाली गई है, तो दूसरी वैकेंसी आपके सामने है और यहाँ फिर से वैकेंसी निकाली गई है थ्रिस्ट में, जो वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्निकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में वैकेंसी आती है। यहाँ वेरियस पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है, जो बताया जा रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो काम है वेरियस हॉस्पिटल में काम है, जो जैसे हमारा LNJP हॉस्पिटल में काम है, लेडी हार्डिंग में, सिविल हॉस्पिटल में, और से बताया जा रहा है सारे हॉस्पिटल में इनको काम पड़ता है, तो ये क्या करते हैं कि पर्सन को हायर करते हैं या उनको जॉब देते हैं, उस पर काम करते हैं। तो क्या वैकेंसी निकाली गई, जो काम की वैकेंसी वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैसेंजर बॉय में निकाला गया है आपका 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आना चाहिए, 2 व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ₹16,000 सैलरी मिलेगा, 30 साल एज रखा गया है ये बता रहे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन वैकेंसी निकाली गई है, 6 पोस्ट है और 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में, अगर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो 12th पास कर रखे हो तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी नहीं है तो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए।
और देख लेते हैं और क्या वैकेंसी निकाली गई। तो यहाँ पर निकाली गई नर्स की वैकेंसी निकाली गई, बताया जा रहा है 12th पास कर रखे हैं, साथ में डिप्लोमा कर रखे हैं नर्सिंग पे, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और डिप्लोमा नहीं है तो बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, साथ में कुछ और सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखे हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 30 साल एज है, 6 पोस्ट निकाला गया। तो ये वैकेंसी मैंने आपको दिखाया, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों को शेयर करेंगे जिससे हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। पीडीएफ नीचे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी डाउनलोड कर सके और अच्छी तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले सके। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।